मणिपुर की जो घटना है बहुत बड़ी घटना है और सरकार इसे लगातार नजरअंदाज कर रही है और विपक्ष की खाली यही मांग है कि डिस्कशन हो और डिस्कशन बस आधे घंटे का ना हो, विस्तार से डिस्कशन हो, बिकॉज एक तरह का मणिपुर में एथनिक वायलेंस टेक प्लेस हुआ है और बहुत सारी महिलाएं ब्रूटालिटी से गुजरी हैं और बहुत सारे रेप इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ब्रूटल मर्डरिंग हुई है। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना बहुत बड़ी घटना है लेकिन सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। विपक्ष की बस यही मांग है कि इस पर सदन में चर्चा हो, लोगों को इस पर अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मणिपुर की जो घटना है बहुत बड़ी घटना है और सरकार इसे लगातार नजरअंदाज कर रही है और विपक्ष की खाली यही मांग है कि डिस्कशन हो और डिस्कशन बस आधे घंटे का ना हो, विस्तार से डिस्कशन हो, बिकॉज एक तरह का मणिपुर में एथनिक वायलेंस टेक प्लेस हुआ है और बहुत सारी महिलाएं ब्रूटालिटी से गुजरी हैं और बहुत सारे रेप इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ब्रूटल मर्डरिंग हुई है, तो हम चाहते हैं कि विस्तार से इस पर चर्चा हो और लोग अपनी बात को रखने का मौका मिले और लोग सरकार को अपनी बात को क्लेरिफाई करना चाहिए इस बात। आई थिंक जो इंडिया जो पूरा अलायंस है उन्होंने यही बात कही है और सभी पार्टियां यही चाहती हैं। पूर्वोत्तर राज्य की दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र के दौरान खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती और पीएम मोदी इस मुद्दे पर चुप हैं। आपको बता दें, मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान हिंसा भड़कने के बाद से राज्य में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अन्य कई घायल हुए हैं। राज्य में मैती समुदाय की आबादी करीब 53% है और वे मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय की आबादी 40% है और वे अधिकतर पर्वतीय जिलों में रहते हैं। बात करना चाहते हैं 2.5 आवर्स का, क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए।